आप भी कमर हिम्मत कस लीजिए और कदम तेज तर आगे बढ़ाइए, मंजिल दोगाम पर ही है। हुर्रियत नेता की सुरक्षा वापस लेने का सरकार ने किया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। पुलवामा में हमले के बाद लोगों में बस बदला लेने का आक्रोश दिख रहा है। एक तरफ जहां नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से कपिल शर्मा के शो पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें, इस बड़े फैसले में हुर्रियत नेताओं से सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया गया है। अभी हाल ही में पुलवामा में 40 CRPF जवानों की शहादत के बाद देश भर में गुस्सा है। चारों तरफ से बदला लेने की मांग उठ रही है। इस बीच सरकार भी एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक इस देश में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हुर्रियत नेता की सुरक्षा वापस लेने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर कई फैसले हुए हैं। और तो और, डिफेंस से लेकर डेवलपमेंट लेवल पर पाकिस्तान की घेराबंदी करने की बात भी की गई है। कल वंदे मातरम ट्रेन के उद्घाटन के दौरान मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा वार किया और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही। कल हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के झांसी के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था और वहाँ के लोग भी मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ के दिए गए भाषणों पर तालियां पीट रहे थे। आपको बता दें, इसके साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर का दौरा किया। गृह मंत्री ने कल कहा था कि पाकिस्तान और ISI से आर्थिक मदद लेने वालों की सरकारी सुरक्षा पर भी नए सिरे से सोचा जाएगा और इसी बयान के बाद हुर्रियत नेताओं से सुरक्षा छीने जाने की खबर भी आई। PM मोदी ने पुलवामा को लेकर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। PM ने कहा कि हमने अपने सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दे दी गई है, वे पाकिस्तान के खिलाफ कैसा भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं और हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर और उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। वहीं देशभक्ति के रंग में रंगे लोग जानकारी भी हमारी सेना एजेंसी तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। PM नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, ये देश रुकने वाला नहीं है चाहे पाकिस्तान कितनी भी नाकाम कोशिश कर ले। वहीं बता ये भी दे कि कल रात दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर PM मोदी समेत कई हस्तियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ संकट की घड़ी में भी खड़ा है। एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और भी कई लोग शामिल रहे। जानकारी इस बात की भी मिली है कि सुरक्षा बलों के मुताबिक 80 किलो RDX इस्तेमाल किया गया था। यह RDX उसी गाड़ी में भरा हुआ था जो सेना की बस से टकराई थी और इसके बाद ये धमाका हुआ था। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।